दोस्तों आप सब तो जानते ही हैं कि जंगल की दुनिया कितनी खतरों से भरी पड़ी है और आए दिन कोई ना कोई मासूम शिकार शिकारी का चोला पहनकर दूसरे जानवरों पर बिजली की तरह टूट पड़ता है। ऐसे यहाँ तेंदुए और पॉर्क्यूपाइन के बीच जबरदस्त मुकाबला होने वाला है और इस युद्ध में तेंदुए का जो हाल हुआ उसे देखकर तो आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। तो चलिए फिर बिना देरी वीडियो शुरू करते हैं। पॉर्क्यूपाइन को एक बहुत ही खतरनाक शिकारी कहा ही नहीं जाता बल्कि माना भी जाता है क्योंकि इसका वार बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। पॉर्क्यूपाइन के पास जिराफ जैसी लंबाई और शेर जैसी ताकत तो नहीं है लेकिन हाँ इसके पास एक ऐसी खासियत पाई जाती है जो इसके अलावा किसी दूसरे जानवर में देखी नहीं जाती और वो है इसका कांटेदार शरीर। इसकी मदद से ये जंगल की जानलेवा दुनिया में बेरहम शिकारियों का शिकार करने में कामयाब हो जाती है और अपने दुश्मन को मार गिराती है। यहाँ ये पॉर्क्यूपाइन रात के सन्नाटे में जंगल में अपने छोटू बेबी के साथ डिनर का इंतजाम करने के लिए आया है। यहाँ इसको खाने के लिए हरी हरी घास और बिल में नागराज नजर आ गया है। इसे देखकर ये तुरंत ही उन पर टूट पड़ा और इसका बच्चा भी घास खाने लगा। ये दोनों अपना डिनर करने में इतने बिजी हो गए कि इन्हें आसपास के माहौल का कुछ पता ही नहीं चला कि इनके पास कौन सी मौत मंडरा रही है। थोड़ी ही देर में जब पॉर्क्यूपाइन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो ये वहां से तुरंत ही निकल लेता है लेकिन रास्ते में इनका सामना होता है शातिर तेंदुए से जो इसको घेर कर खड़ा हो जाता है। ये पॉर्क्यूपाइन इससे बचकर भाग तो सकता नहीं है इसलिए ये अपना मुंह छुपाए खड़ा रहता है और लगातार अपने कांटों वाला बाल तेंदुए की तरफ करता रहता है जिससे ये इसका शिकार ना बन जाए। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। जब तेंदुआ ज्यादा ही परेशान हो जाता है तो वो थक कर बैठ जाता है और इस पॉर्क्यूपाइन को जिंदा ही बख्श देता है। तेंदुआ भी भाई जिस भी जानवर को खुलेआम घूमता हुआ देखता है उसे तुरंत ही अपना शिकार बनाने चल देता है। इसका सामना अक्सर पॉर्क्यूपाइन से ही होता है लेकिन कभी इसके हाथ में बाजी होती है तो कभी पॉर्क्यूपाइन के हाथ में बाजी। यहाँ ये तेंदुआ घासों में छुपकर बैठा था ताकि शिकार के आने पर उस पर झपट्टा मार सके। थोड़ी ही देर में पॉर्क्यूपाइन की पूरी फैमिली इस रास्ते पर से जाती है जिसे देखकर पहले तो तेंदुआ छुप जाता है और फिर सही मौका देखकर इन पर यमराज बनकर टूटता है। लेकिन ये पॉर्क्यूपाइन घबराते नहीं बल्कि अपने कांटेदार शरीर को तेंदुए की तरफ करके एक दूसरे की हिफाजत करते हैं और अब ऐसे जब तेंदुआ इनके मुंह के पास आता है तो उसकी तरफ पीट कर लेते हैं लेकिन अपने किसी भी साथी को तेंदुए का निवाला नहीं बनने देते। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलता रहता है लेकिन फिर आखिरकार तेंदुए को ही हार माननी पड़ती है। यहाँ तेंदुआ अफ्रीका के जंगलों में अपने शिकार की तलाश करने निकला है कि बस आज तो कोई हाथ लग ही जाए। इसकी ये तलाश और नजर एक शिकार पर आकर ठहर जाती है जिसका नाम है पॉर्क्यूपाइन। ये दोनों दोस्तों यहाँ हरी हरी घास खाने के लिए आए थे लेकिन जैसे ही तेंदुए ने इन्हें देखा तुरंत इनके पास जाकर बैठ गया जिसे देखकर पॉर्क्यूपाइन ने अपना रास्ता तो नहीं बदला लेकिन हाँ इसकी तरफ मुंह जरूर फेर लिया। यह तेंदुआ बहुत दिन से भूखा था इसलिए पॉर्क्यूपाइन को देखकर रुक नहीं पाया और बस हमलों की बौछार करने लगा। इसको देखते एक तेंदुआ और यहाँ आधमका लेकिन दोनों के हाथ नाकामयाबी के अलावा कुछ नहीं लगा क्योंकि ये दोनों पॉर्क्यूपाइन फुर्ती से फुर हो गए और बेचारा भूखा तेंदुआ फिर से खाली पेट ही रह गया और बेचारे को पॉर्क्यूपाइन के एक कांटे से ही काम चलाने लगा। पॉर्क्यूपाइन वैसे तो ज्यादा बड़ा नहीं होता लेकिन फिर भी बड़े बड़े शिकारियों को धूल चटा देता है। कोई भी शिकारी इसको निशाना बना ले लेकिन इसको निशाना बनाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इसका स्वाद चखने से पहले इन शिकारियों को इसके कांटेदार शरीर का मजा चखना पड़ता है जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है जबकि पॉर्क्यूपाइन का जो आगे का शरीर होता है वो बहुत कमजोर और मुलायम होता है इसलिए ये किसी भी शिकारी के सामने मुंह करके नहीं खड़े होते। यह हिस्सा इनकी कमजोरी होती है क्योंकि इस पर ना तो मोटे मोटे बाल होते हैं और ना ही कांटे पाए जाते हैं। वहीं अगर इन पॉर्क्यूपाइन की हाइट की बात करें तो पूंछ से लेकर शरीर की लंबाई 20 से 40 इंच के बीच होती है। वहीं इनका वजन लगभग 5 किलोग्राम तक होता है। पॉर्क्यूपाइन की खास बात यह है कि इनमें नर और मादा दोनों ही देखने में एक जैसे होते हैं। ना तो दोनों की लंबाई में ज्यादा फर्क देखने को मिलता है और ना ही इनके वजन में कोई फर्क मालूम पड़ता है। आगे ऐसे ही घातक हमले देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। लगता है यह तेंदुआ पॉर्क्यूपाइन से ज्यादा ही कड़ी दुश्मनी निभाता है इसलिए तो जहां कहीं भी ये मासूम पॉर्क्यूपाइन को खेलता कूदता देखता है वहीं यह तुरंत उसे दबोचने आ जाता है। यहां देखिए जंगल की सड़कों पर क्या कोहराम मचा हुआ है।
यहाँ एक तेंदुए ने एक पॉर्क्यूपाइन को अपना निशाना बना लिया है और उसको अपना शिकार बनाने की जुगाड़ में लगा पड़ा है। तेंदुए का जंगल के जानवरों का तो खौफ है ही, साथ ही इससे तो इंसान भी बचकर भागते हैं। जब इन कार वाले ने तेंदुए को हमला करता हुआ देखा तो ये सब भी शांति से खड़े हो गए और अब देखिए दोनों में क्या मुकाबला चल रहा है। आज तो तेंदुआ बड़ा ही गुस्सा में है, इसलिए ये पॉर्क्यूपाइन के ना तो हमलों से और ना ही कांटों से डर रहा है, बस जमकर इस पर हमला करने में लगा है। और आखिरकार थोड़ी ही देर में यह युद्ध का सिलसिला खत्म हो जाता है और जीत तेंदुए के नाम जाती है। फिर तो आप जानते हैं कि यह तेंदुआ बिना रहम खाए पॉर्क्यूपाइन को निगल जाता है, लेकिन इसको यह लंच काफी भारी पड़ा क्योंकि इसके कांटे तेंदुए के शरीर में बुरी तरह से घुस गए और यह जख्मी हो गया। अक्सर शिकारी तभी जंगल का रास्ता नापते हैं जब उन्हें खाने के लिए अपने लंच का जुगाड़ करना हो, जैसे ये तेंदुआ जंगल में खाने के लिए इधर उधर भटक रहा है। लेकिन तभी इसकी नजर एक पॉर्क्यूपाइन पर पड़ती है जो घास खाने में बहुत बिजी था। इसको तेंदुए के आने की कुछ खबर नहीं थी। इस बात का फायदा उठाकर यह तेंदुआ इस पॉर्क्यूपाइन के पास पहुंच जाता है, जिसे देख के पॉर्क्यूपाइन हमेशा की तरह शर्मा जाता है और अपना मुंह छुपा लेता है। यह तेंदुआ इसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है और लगातार इस पर हमला भी करता रहता है। लेकिन अब जब यह तेंदुआ इतना मेहनत कर रहा है तो इनाम भी तो मिलना चाहिए, इसलिए यह पॉर्क्यूपाइन इसके नाम हो जाता है, जिसे यह मुंह में दबोच लेता है और फिर मजे से तो नहीं लेकिन बहुत ही मेहनत और दर्द के साथ इसे खाने का मौका मिलता है, क्योंकि इस पॉर्क्यूपाइन के शरीर पर बहुत ज्यादा कांटे हैं और बहुत मोटे मोटे बाल भी, जो किसी भी शिकारी के लिए मौत का इंतजाम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए ये तेंदुआ इसे खाने से पहले इसके शरीर के कांटों को अपने पंजों और मुंह की मदद से हटाता है। जब इसका शरीर थोड़ा कांटों से खाली हो जाता है तो फिर यह तेंदुआ पॉर्क्यूपाइन को खाने की तैयारी करता है, लेकिन ये इसे यहाँ नहीं खाता क्योंकि कहीं इस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू सूंघकर कोई और शिकारी ना आ जाए और बेचारे की सारी मेहनत पर पानी न फिर जाए, इसलिए यह अपने लंच को लेकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, आपको ये तेंदुए और पॉर्क्यूपाइन की नोकझोंक कैसी लगी? वैसे आपको इन दोनों में से कौन सबसे शातिर और खतरनाक लगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत फनी वीडियो बनी है।